तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने प्रधानमंत्री मोदी से की गुजारिश, जामा मस्जिद की कराए मरम्मत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बाबा रामदेव को बिहार से लगा बड़ा झटका, बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार के 50 थानों में डॉक्टरों ने कराया मुकदमा दर्ज, कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं बाबा रामदेव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका, आज पूरे प्रदेश में किसान थाने के बाहर देंगे धरना, मोदी अमित शाह की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना के चलते 45,000 लोगों को सऊदी अरब ने हज करने की दी इजाजत, मोदी सरकार ने भी आदेश का किया पालन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक के भाजपा मुख्यमंत्री येदुरप्पा ने प्रधानमंत्री मोदी को दी धमकी, कहा भाजपा नाटक करे बंद, अगर बीजेपी कहेगी तो दे दूंगा मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने किया दावा, ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए चुनाव नहीं कराएगी भाजपा। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने प्रधानमंत्री मोदी से की गुजारिश, कहा जामा मस्जिद की कराएं तत्काल मरम्मत। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने प्रधानमंत्री मोदी से गुजारिश कर एक पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है कि जामा मस्जिद का निरीक्षण करवाकर प्रधानमंत्री मोदी जामा मस्जिद की मरम्मत करवाएं। गौरतलब है कि आंधी तूफान से 17वीं शताब्दी की मस्जिद जामा मस्जिद के मीनार क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके बाद शाही इमाम ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। अपने लिखे पत्र में उन्होंने मांग की है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध दिल्ली की जामा मस्जिद को मरम्मत की सख्त जरूरत है। उन्होंने पत्र में कहा है कि मस्जिद के कई पत्थर टूट गए हैं और अक्सर गिरते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब मीनार से पत्थर गिरते हैं तो तालाबंदी के कारण कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी तत्काल जामा मस्जिद का निर्माण कराएं और जो कुछ भी कमी आई है मस्जिद में, जो भी टूट फूट हुई है उसको ठीक कराएं, क्योंकि जामा मस्जिद को सख्त मरम्मत की जरूरत है। तो प्रधानमंत्री मोदी से ये बड़ी मांग शाही इमाम ने की है, देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जामा मस्जिद की मरम्मत कराते हैं या फिर नहीं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा रामदेव को लगा बड़ा झटका, बिहार में बाबा रामदेव के खिलाफ 50 FIR दर्ज, बाबा रामदेव को होगी जेल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की लड़ाई और तेज हो गई है। बाबा रामदेव के बयान के बाद काला फीता बांधकर ड्यूटी करने वाले डॉक्टरों का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि रविवार को डॉक्टरों ने बैठक में बाबा रामदेव के खिलाफ बिहार के 50 थानों में मुकदमा दर्ज कराया है और बाबा रामदेव को जेल में डालने की मांग की है, जिसके बाद बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कभी भी बिहार पुलिस बाबा रामदेव को उत्तराखंड से गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर विवादित बयान दिया था और कोरोना वैक्सीन बनाने वाले डॉक्टरों को बताया था कि इन डॉक्टरों ने जो कोरोना वैक्सीन बनाई है उससे ना लोग ठीक हो रहे हैं और ना ही ये वैक्सीन काम कर रही है। इसके बाद लगातार बाबा रामदेव का पूरे देश में डॉक्टरों ने विरोध किया था, जिसके बाद आज बिहार के 50 थानों में डॉक्टरों ने मुकदमा दर्ज कराकर बाबा रामदेव को गिरफ्तार करवाने की मांग की है, जिसके बाद अब बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका, आज पूरे प्रदेश के थाने को घेरेंगे किसान, मोदी अमित शाह के छूटे पसीने। जी दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर पिछले 6 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार तथा लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस सहित हरियाणा पुलिस ने कई किसानों को गिरफ्तार किया था और उन्हें आज तक नहीं छोड़ा है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में गिरफ्तार हुए किसानों को केस दर्ज वापस लेने और गिरफ्तार किसानों की रिहाई को लेकर किसान और हरियाणा की भाजपा सरकार के बीच कल बैठक हुई थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजे रही। हरियाणा पुलिस ने किसानों को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद आंदोलन कर रहे
राकेश टिकैत ने सीधी धमकी देते हुए आज प्रदेश भर के थाने घेरने का ऐलान कर दिया है। यानी आज पूरे प्रदेश हरियाणा में किसान थानों का घेराव करेंगे और मोदी सहित हरियाणा की भाजपा सरकार का विरोध करेंगे। किसानों ने कह दिया है कि हम की हर कीमत पर इन किसानों को छुड़ाकर ले जाएंगे और इनके ऊपर दर्ज मुकदमों को खत्म करवा कर रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किसान आज प्रदेश भर में हरियाणा के थानों को घेरेंगे। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना के चलते इस बार सिर्फ 45,000 लोगों को हज करने की सऊदी अरब ने दी इजाजत, भारत ने भी दिया जवाब। जा दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सऊदी अरब की सरकार ने ऐलान किया है कि इस साल दुनिया भर के सिर्फ 60,000 लोग ही हज कर सकेंगे, जिनमें से 15,000 सऊदी अरब के नागरिक होंगे। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछले साल हज यात्रा को बिल्कुल सऊदी अरब ने बंद कर दिया था, लेकिन इस साल कोरोना के चलते सऊदी अरब ने सिर्फ 45,000 दुनिया के हाजियों को हज करने की सऊदी अरब में इजाजत दी है। वहीं आपको बता दें कि 15,000 लोग खुद सऊदी अरब के हज यात्रा में इस बार शामिल होंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कोरोना को लेकर इस बार कुल 45,000 लोग ही दुनिया भर से हज सऊदी अरब में कर सकेंगे। इससे ज्यादा लोग को हज करने पर सऊदी अरब ने रोक लगा दी है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीएम येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री मोदी को दी धमकी, कहा पार्टी जब कहेगी दे दूंगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक के भाजपा मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने सीएम पद को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा को कड़ी धमकी दी है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले काफी दिनों से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सीएम येदियुरप्पा को हटाने की अटकलें तेज चल रही थी, जबकि आपको बता दें कि भाजपा के नेता कह रहे थे कि आने वाले समय में सीएम येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाएगा और किसी और को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि कर्नाटक का ये नाटक देखते हुए सीएम येदियुरप्पा ने आज प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को खुली चेतावनी दे दी है। येदियुरप्पा ने कहा कि जब भी भाजपा पार्टी कहेगी वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री ना होने के बाद भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए भाजपा मुझको मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाएगी। तो ये बड़ी धमकी आज येदियुरप्पा ने भाजपा को दे दी है, जिसके बाद भाजपा खेमे में हलचल मच गई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी अमित शाह को पंजाब से लगा बड़ा झटका। गोल्डन टेंपल में कार्यक्रम के दौरान लहराए गए खालिस्तान के झंडे, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के 6 साल होने के मौके पर अमृतसर में कई जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। भाई आपको बता दें कि अमृतसर से मोदी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के भीतर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान कुछ लोगों ने खालिस्तान के झंडे लहराए और खालिस्तान झंडा लहराकर मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी। इस प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि खालिस्तानी झंडा लेकर लोग पोस्टर लहरा रहे हैं। गौरतलब है कि खालिस्तान लगातार भारत में पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग कर रहा है। खालिस्तान का एजेंडा है कि पंजाब को भारत से आजाद कराया जाए और पंजाब को पंजाबियों के लिए एक अलग देश बनाया जाए, जिस तरह से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था। इसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि मोदी राज में गोल्डन टेम्पल में कार्यक्रम के दौरान किस तरह से खालिस्तान के झंडे लहराए गए हैं। पूरी भाजपा सहित मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि जितने भी खालिस्तानी लोग हैं उनको सभी को मोदी सरकार आतंकवादी मानती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, मोदी अमित शाह बुरी तरह से अब पंजाब में घिर रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नौकरी घोटाले मामले को लेकर ममता पुलिस ने कसा भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी पर शिकंजा, करीबी को किया गिरफ्तार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी घोटाले मामले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के एक करीबी सहयोगी को बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। और एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कल्याणगढ़ के एक निवासी द्वारा मानसिक ताला पुलिस थाने में एक FIR दर्ज कराई गई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी रखल बोरा को कोलकाता स्थित उनके आवास के बाहर से गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने सरकारी नौकरी में जबरदस्त घोटाला किया था, जिसमें भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी भी थे, जिसके बाद ममता पुलिस ने भाजपा नेता पर भी शिकंजा कस दिया है और उनके करीबी को गिरफ्तार कर लिया है। जल्दी
पुलिस शुभेंदु अधिकारी को भी गिरफ्तार कर सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बचो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने 12 उम्मीदवारों की घोषणा, कई पार्टियों ने दिया समर्थन। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जौनपुर जिले में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव के लिए शनिवार को समाजवादी पार्टी ने 12 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जिला कार्यालय में हुई बैठक में सपा जिला अध्यक्ष लाल बहादुर यादव ने प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव में अभी से जुट जाएं। जिन 12 नामों की घोषणा की है उनमें से सबसे अधिक 8 महिलाएं प्रत्याशी हैं। भाई आपको बता दें कि कई पार्टियों ने समर्थन भी समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दे दिया है। वहीं अब 12 ब्लॉकों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों उत्तर प्रदेश से। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाएगी भाजपा योगी को, 2022 का भी योगी की अगुवाई में ही लड़ेगी बीजेपी चुनाव। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा और 2022 का चुनाव भी भाजपा योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही लड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में काफी समय से चर्चा चल रही थी कि यूपी में 2022 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ से मुख्यमंत्री का पद भाजपा छीन सकती है और किसी नए चेहरे या फिर राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री पद का ओहदा उत्तर प्रदेश में भाजपा दे सकती है। लेकिन आज खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सहित भाजपा के बड़े नेताओं ने दावा कर दिया है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से नहीं हटाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ही बीजेपी 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और ना ही कैबिनेट का विस्तार होगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा ऐलान भाजपा ने कर दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यशवंत सिन्हा ने किया दावा, ममता को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए चुनाव नहीं कराएगी भाजपा। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व नेता यशवंत सिन्हा ने दावा किया है कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ मिलकर भाजपा साजिश रच रही है और उन्होंने दावा किया है कि आगामी 6 महीने तक किसी भी तरह का कोई भी उपचुनाव भाजपा पश्चिम बंगाल में नहीं कराएगी ताकि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सके। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम की विधानसभा सीट से चुनाव हार गई थी और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीत गए थे, जिसके बाद ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। लेकिन ममता बनर्जी को 6 महीने के अंदर ही विधायक बनना है, इसलिए उन्होंने एक सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन अब जो है बीजेपी नेता ने दावा किया है कि ममता को बीजेपी मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए 6 महीने के अंदर उपचुनाव इस सीट पर नहीं कराएगी, ये भाजपा की नई चाल है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा दावा क्या है, अब देखते हैं कि कराती है भाजपा चुनाव या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बला हमला, कहा ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार देश में ट्विटर से लड़ रही है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ब्लू टिक के लिए लड़ रही है और कोविड-19 रोधी टीके हासिल करने के लिए लोगों को आत्मनिर्भर बना रही है। राहुल गांधी का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब एक दिन पहले ही ट्विटर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और मोहन भागवत सहित आरएसएस के शीर्ष पद अधिकारियों के निजी अकाउंट से ब्लू टिक हटा दिया था और बाद में हंगामा होने के बाद इसे दोबारा से दे दिया था। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला आज भाजपा पर बोला है। रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मोतली को वापस लिया जाए।